नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, कई पेरेंट्स मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को एसी में सुला सकते हैं। हमारा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है या 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, तो क्या एसी के नीचे बच्चों को सुलाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हाँ, आप बच्चों को एसी में आप सुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। अगर आप इन सावधानियों का पालन करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि यदि आपका बच्चा अभी न्यूबॉर्न बेबी है और 1 महीने से कम का है, तो आप ध्यान रखिए कि उस एसी का टेम्परेचर आप 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रखें। 25 डिग्री से नीचे कम उसका तापमान आप बिल्कुल भी लेकर ना आए। यदि आपका बच्चा 1 महीने से बड़ा है और 1 साल के बीच का है, 1 महीने से लेकर 1 साल के बीच का यदि आपका बच्चा है, तो आप 23 डिग्री तक भी टेम्परेचर को रख सकते हैं। 23 डिग्री से 27 डिग्री के बीच आप उसका टेम्परेचर रखिए, 23 डिग्री से नीचे लेकिन ना करें। अब दोस्तों, बात यह है कि एसी का प्रयोग आप कर रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी क्या रखनी है कि एसी का यदि आप प्रयोग करते हैं तो कई बार जो होता है ड्राइनेस हो जाती है बच्चे के शरीर में। क्यों हो जाती है? क्योंकि एसी क्या करता है, एसी जो एनवायरमेंट है जहां पर एसी लगा हुआ है उसकी नमी को कम कर देता है, ह्यूमिडिटी को कम कर देता है। तो ह्यूमिडिटी कम होने से ड्राइनेस बढ़ जाती है, वो की जो हवा होती है वो ड्राई हो जाती है। उसके कारण बच्चे के शरीर में ड्राइनेस के कारण बच्चे के शरीर में दाने हो जाते हैं, रेसेस हो जाते हैं, और वो जो दाने होते हैं, स्किन पे रेस होते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप वहां पर मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, इंटेंस मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं, वहां पर आप नारियल तेल अप्लाई कर सकते हैं बच्चे के शरीर पर, इस तरह से आप यूज जरूर करिए। या फिर अगर यदि बहुत ज्यादा ड्राई एयर हो रही है तो आप वहां पर रूम में ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, वो भी उसकी जो नमी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी तरह से ऐसे जहां पर गर्मियों में, बरसात के मौसम में तो एसी बहुत अच्छा होता है, जहां पर आपको ह्यूमिडिटी को कम करना है उसने कर दिया, लेकिन गर्मियों में जहां पर ड्राइनेस ज्यादा है ऑलरेडी, अब एसी का प्रयोग करेंगे तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी, तो वहां पर आपको ह्यूमिडिटी का बहुत ध्यान रखना है बच्चे के शरीर से दानों को मिटाने के। दूसरा साइड इफेक्ट दोस्तों इसका हो सकता है कि आपके बच्चे के शरीर का तापमान कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसको चेक करने के लिए आप देखेंगे कि अपने से ये वाली जो सरफेस होती है, इससे अपने बच्चे के पेट को टच करें और उसी से आपके बच्चे के पैर के तलवों को टच करें। यदि आपको लग रहा है कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि पेट को टच करने से तो आपको ठीक लग रहा है गरम गरम, और पैर के तलवे आपने देखे तो वो ठंडे से लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का टेम्परेचर कम हो सकता है, उसको ठंड लग सकती है। तो उसके लिए आप जो है उसको डबल कपड़े जरूर पहनाए, बच्चे के हाथ पैरों को ढक के रखें और उसको डबल कपड़े पहनाए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको डबल चीज, जैसे आपने मान लीजिए आपने एक टी शर्ट पहनी है और आपको उस मौसम में एक टी शर्ट में ठीक लग रहा है, तो बच्चे को डबल टी शर्ट पहनानी है आपको। तो इस तरह से हमेशा ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे को सर्दी खांसी है या निमोनिया की शिकायत है, तो उस कंडीशन में आप एसी का प्रयोग बिल्कुल भी बच्चों में ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है उसका भी आपको ध्यान रखना है, या जो सावधानी जिसे हम कह सकते हैं, कि जब भी आप एसी का प्रयोग घर में कर रहे हैं तो आपको यदि बच्चे को बाहर लेकर जाना है तो आप डायरेक्ट एसी से बाहर लेकर बच्चों को बिल्कुल भी ना निकलें, या यदि आप घर के बाहर से घर में आ रहे हैं तो डायरेक्टली एसी में लेकर बच्चों को बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण बच्चों को जो होता है कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चों को टेम्परेचर वेरिएशन के कारण सर्दी खांसी बुखार ये सारी शिकायतें हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चों को एसी में सुलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी आप बच्चों को घर के बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां जिस रूम में बच्चा है वो एसी उसको बंद कर दीजिए, कुछ देर एसी बंद रहने दीजिए, जब वहां का टेम्परेचर कम हो जाए तब आप बच्चे को बाहर लेके निकलिए। इसी तरह से जब बच्चे को आप बाहर से घर में लेकर आ रहे हैं तो डायरेक्ट एसी में ना ले जाकर पहले आप बच्चे को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे आप बच्चे को उसको एसी में ले जाएंगे तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक सावधानी और दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि जिस रूम में हम एसी का प्रयोग करते हैं हम उसको पूरी तरह से सील कर देते हैं, रूम को बंद कर देते हैं, सारी खिड़की दरवाजे विंडो वगैरह सब लगा देते हैं, तो ऐसे में उसमें फ्रेश एयर नहीं जा पाती है। तो आपको क्या करना है कि जब दिन के समय आप एसी बंद रखते हैं सुबह सुबह के समय,
तो उस समय आप क्या करें कि पूरी दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह खोल दें अच्छे से, ताकि फ्रेश एयर भी अंदर आ जाए, और जब आप एसी का प्रयोग करते हैं तो सारी चीजें उसको फिर से लगा दें। तो यदि आप इन सावधानियों का प्रयोग करते हैं तो आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप एसी का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें सुला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान, इन बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। जय आयुर्वेद।